हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं राजू जहांगीर लेकर के आया हूँ क्लास फर्स्ट के लिए ईवीएस सब्जेक्ट। जैसा आप सबको मालूम है, मैं काफ़ी दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आप एंजॉय ले रहे होंगे पढ़ने का, क्यों? क्योंकि आपको पता है 30 दिन और स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के। बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है और पढ़ने में उम्मीद करता हूँ आनंद आ रहा होगा। बाहर नहीं जाना है कहीं, क्योंकि बाहर वर्षा के कारण कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो गया है। घर में ही बैठे रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। आपके से ऐसी उम्मीद करूँगा, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर मदर, वो भी आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी पढ़ाई में। तो आज आप बुक निकाल दीजिए, यहाँ से पढ़ना है और पेज नंबर 6 लिखा हुआ है ना, केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग का मीन्स बेटा होता है देखभाल करना, और शेयरिंग का मीन्स होता बेटा साझा करना। साझा करना कैसे? तो साझा करना यानी एक जो कोई भी चीज होती है एक दूसरे को देना। आप स्कूल आते हो, आपके पास में आपका क्लासमेट बैठा रहता है, आपके पास पेंसिल नहीं रहती, आप घर से भूल जाते हो, पेंसिल नहीं लाते हो, फिर आप क्या कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे को पेंसिल दे दे, उसको कहते हैं शेयरिंग। तो वैसे आपके घर में भी होती है, अगर आप घर में आपके बड़े भाई बहन भाई बहन होते हैं तो आपके पास नहीं होते तो आप उनसे ले लेते हो कि मुझे काम करना है, मुझे पेन पेंसिल दो, तो उसको कहते हैं केयरिंग, सॉरी शेयरिंग कहते हैं। और केयरिंग होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। तो आप बुक निकाल लीजिए, मैं लिख देता हूं। पहले तो चैप्टर फर्स्ट है और वो है माय फैमिली, मेरा परिवार। इसमें हम पढ़ेंगे केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि केयरिंग यानी देखभाल करना, शेयरिंग यानी साझा करना, चीजों को बांटना। बुक में आप लिखा हुआ है, वहां ध्यान रखिए, मिताज फैमिली इज ए बिग फैमिली। यहां मिताज फैमिली इज ए बिग फैमिली, क्या? मिता का परिवार एक बड़ा परिवार है। सी लिव्स विथ हर फैमिली, वह उसके परिवार के साथ रहती है। मिता एक लड़की है, ऐसा कहूं तो महिला है, औरत है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी है ना, वैसे कि उस घर में कोई एक औरत है, उसका नाम मीता है। तो मीता का परिवार एक बड़ा परिवार है, वह उनके परिवार के साथ रहती है। हर मदर उसकी माता, ये लिखा हुआ है ना, हर मदर उसकी माता। तो हर मदर कुक्स फूड फॉर ऑल, उसकी माता सभी के लिए खाना पकाती है। आपके घर में भी आपकी माता क्या करती है? सबके लिए खाना बनाती है। तो यहां पर भी मीता क्या करती है, वह उसकी माता सबके लिए क्या बनाती है? खाना बनाती है। फिर लिखा हुआ है सी टेक्स केयर ऑफ मीता, वह मीता की देखभाल करती है। देखो जो मीता है ना, यहां एक छोटी लड़की है, छोटी लड़की है, उसका नाम मीता है, और उस मीता की जो मम्मी है, मीता की जो माताजी है, वह सबके लिए खाना बनाती है। फिर सी टेक्स केयर ऑफ मीता, वो जो मीता लड़की है तो वह मीता की देखभाल करती है। वेन जब सी इज सिक, जब वह बीमार होती है, जब मीता छोटी लड़की बीमार हो जाती है तो उसकी माता उसकी देखभाल करती है। याद करो बेटा, देखो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं होती है, आप कुछ खाना नहीं खाते हो, तो आपकी मम्मी आपका कितना केयर करती है, बहुत देखभाल करती है आपकी, आपको बिस्किट लाके खिलाती है, आपको हो सके तो चाय आपको पिलाती है। फिर सी ऑल्सो हेल्प्स हर चिल्ड्रन इन स्टडीज, यानी वह पढ़ाई में उनके बच्चों की सहायता भी करती है। वह पढ़ाई में उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे की सहायता भी करती है। तो मैंने आते ही आपको भी कहा था, आपके मम्मी या पापा, पापा तो हो सकता है घर पर नहीं रहते, काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आपकी मम्मी आपके पास में रहती है सारे दिन, तो वो आपकी मम्मी भी आपको पढ़ाने में सहायता करती होगी, मैं ऐसे ही आपसे उम्मीद रखता हूँ। फिर लिखा हुआ है सी ऑल्सो प्लेज विथ हर चिल्ड्रन, वह उनके बच्चों के साथ खेलती भी है। वह और क्या करती है? अपने बच्चों के साथ खेलती है। तो ये भी देखो, आप भी अपनी मम्मी के साथ में खेलते होंगे। फिर लिखा हुआ है लेट्स आंसर, यानी उत्तर दीजिए। तो जैसे विच टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, तो ए स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। फिर लिखा हु कुक्स फूड फॉर अस, हमारे उनके लिए, हमारे लिए भोजन कौन बनाता है, तो मम्मी बनाती है।
आपके लिए आपकी मम्मी बनाती है, मेरे लिए मेरी मम्मी बनाती है। तो आप होमवर्क आपको क्या करना है, और ये होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैमिली, विच टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। यानी किस प्रकार का परिवार, किस प्रकार का परिवार एकल परिवार कहलाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, क्या आंसर लिखना है आपको, तो आपको यह आंसर लिखना है कि ए फैमिली या ए स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एक छोटा परिवार एकल परिवार कहलाता है। एंड देन बात करता हूं कि आगे वाला क्वेश्चन, हु कुक्स फूड फॉर अस, हु कुक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए या उनके लिए भोजन कौन बनाता है या कौन पकाता है। तो कौन बनाती है, उसकी माताजी बनाती है। तो मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर कुक्स फूड फॉर अस, यानी माताजी उनके लिए खाना बनाती है। तो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने दो क्वेश्चन किए हैं, और ये आपको होमवर्क में यही करने हैं। आपको बताया कि आपको हमेशा होमवर्क करना पड़ता है, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब देखो, वापस ध्यान दो अपनी बुक के अंदर। बुक के अंदर क्या ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना है टाइम टू थिंक, सोचने का समय। क्या होता है सोचने का समय, तो ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स होता है माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, आपके माता पिता और उसके माता पिता आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, यानी बड़े माता पिता हम कह सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पापा है, आपके पापा के पापा आपके क्या लगते हैं, आप कहते हो दादाजी। आपके पापा के जो मम्मी है या माताजी है उसको आप कहते हो दादी जी। तो आपके पापा के माता पिता आपके क्या होते हैं, दादाजी और दादी जी। उसी प्रकार आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के भी माता पिता है, आपकी मम्मी के पिताजी आपके क्या कहते हो, आप कहते हो नाना जी। आपके मम्मी की मम्मी जो होती है उसको आप कहते हो नानी जी। तो यानी मैं कहूँ तो दादाजी दादी जी और नाना जी नानी जी, इन चार लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। इन चार लोगों को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। आपसे उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है आज होमवर्क कौन सा करना है। और एक बड़ा परिवार था उस मीता का, उस बड़े परिवार में उनकी माताजी का काम हमने पढ़ा था कि उसके माताजी क्या करते हैं। कल जो क्लास होगी हमारी, हम और उसमें और भी बात करेंगे। और क्या बात करेंगे हम, उसमें ये बात करेंगे कि उसके पिताजी का क्या काम होता है, उसके जो फादर है उसके पिताजी है, उस पिताजी का क्या काम होता है। अब आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा मैं, आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, आपको होमवर्क यह करना है। तो कल मैं वापस लौटूंगा इसी समय, और तब तक के लिए आपसे ऐसी उम्मीद रखूंगा, आप काम कर रहे होंगे हमेशा। अब मैं लौटता हूं, कल वापस आऊंगा, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।